गाइस, माय नेम इज श्रुति और मैं आज एंगुलर इंस्टॉलेशन का बोलने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है लाइक एक एरर आ जाता है तो उसका भी सोल्यूशन है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना ही लेते हैं। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, नोड जेएस को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मेरे पास तो है, तब भी मैं आपको बताऊंगी आप नोड जेएस डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ देखो, बस आपको क्या लिखना है ब्राउजर पर, नोड जेएस डाउनलोड। तो जैसे लिखोगे फर्स्ट ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो डाउनलोड नोड जेएस। तो उसका कुछ वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से रहेगा। तो इसमें आपका आपका जो विंडोज़ है उसके हिसाब से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाता है, आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तो पता होगा ना, सिर्फ आपको नेक्स्ट 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 करना है एज इट इज़, देन वो इंस्टॉल हो जाता है। तो बस, तो ये था नोड जेएस का इंस्टॉलेशन। तो उसके बाद मैं आती हूँ इस पर, इस पेज पर। तो ये एंगुलर का खुद का वेबसाइट है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा है, तो इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ, या फिर आप बस एंगुलर लिख दीजिए तो ऑटोमेटिक उसका खुद का वेबसाइट तो पहले ही आ जाएगा ना, तो आप चेक कर सकते हो उससे। तो नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, तो मैं अपने पीसी पे जा रही हूँ, देन सी ड्राइव पे जा रही हूँ, एंड देन यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा है एंगुलर बोल के। तो आपको उस पर जाना है, एंड देन यहाँ पर क्या करना है, आपको शिफ्ट और राइट क्लिक करना है। तो जैसे शिफ्ट और राइट क्लिक, आप नॉर्मल राइट क्लिक करोगे तो देखो कुछ नहीं आएगा। तो जैसे आप शिफ्ट और राइट क्लिक करोगे ना, तभी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ओपन पावर शेल विंडो हियर बोल के। तो उसको आपको क्लिक करके ओपन कर देना है। तो बस यहाँ पे हो गया, तो उसका विंडो आ गया। तो पहले चेकिंग के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसका कुछ इंटरफेस इस तरीके से आएगा। तो इसके अंदर आपको बस ये लिखना है कि नोड हाइफन हाइफन वर्जन, इसलिए क्योंकि अगर अपने वर्जन यहाँ पर दिखा रहा तो इसका मतलब सक्सेसफुली आपका नोड जेएस इंस्टॉल्ड है। देन उसके बाद इसी तरह आपको क्या लिखना है, एन पी एम वर्जन। तो सेम इसका भी आपको दिख जाएगा, एन पी एम यानी कि नोड का, आप जैसे ही नोड इंस्टॉल करते हो ना, तो एन पी एम भी ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल हो ही जाता है, और हमें एंगुलर के लिए इसकी ज़रूरत रहती है। ओके, तो नेक्स्ट मैं आती हूँ फिर से इसी ब्राउज़र पर। तो जो मैंने बोला था कि यहाँ पर एंगुलर का खुद का वेबसाइट है, तो इसमें आपको सी एल आई ओवरव्यू एंड कमांड रेफरेंस बोल के रहेगा, तो उसको आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर साइड में आपको दिखा भी रही हूँ साइड मेन्यू से, तो बस इसको स्क्रॉल डाउन करके मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट है, यानी कि इंस्टॉलेशन करना है हमें एन पी एम पैकेज को, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने कोड ऑलरेडी दिया है हमें। तो इसको मुझे कॉपी करना है, एंड कॉपी करके उसी पेज पे रिटर्न जाती हूँ मैं। तो इस पेज पे जैसे आते हो ना, अभी जो हमने कॉपी किया था उसी को यहाँ पे पेस्ट करना है। तो राइट क्लिक करके ऐसा पेस्ट का ऑप्शन है, फिर कंट्रोल वी दबा के पेस्ट को होता नहीं इधर, तो आपको बस क्या करना है, राइट क्लिक करना है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो कॉपी था वो पेस्ट हो जाता है, एंड देन एंटर हिट करना है। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा टाइम लेगा, ये यानी कि ये डिपेंड करता है आपके नेट के ऊपर। ओके, तो आपका नेट अगर बहुत स्पीड होगा तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन इसका बहुत स्पीड हो जाएगा, अगर आपका नेट बहुत स्लो है तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से आ गया और यहाँ पर इंस्टॉल चालू हो गया। तो यहाँ पे मैं एक और बात बताऊंगी, इंस्टॉल हाइफन जी जो डाला है ना, यानी कि वो ग्लोबली इंस्टॉलेशन चालू है। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लेगा ही ना। तो मैं इस इंस्टॉलेशन को फास्ट फॉरवर्ड करके आपको डायरेक्ट दिखा देती हूँ। फाइनली हमारा इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, तो हमें ये जो हमने अभी इंस्टॉल किया है एन पी एम पैकेजेस, वो इंस्टॉल हुए हैं कि नहीं देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन जी वर्जन लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा एंड देन एंटर हिट किया, तो यहाँ पे फेल दिखाया। तो मैंने सोचा कि चलो हाइफन हाइफन वर्जन कर देते, तो उसमें भी मुझे एरर दिखाया। तो फिर मैंने क्या किया, सिर्फ एन जी लिखा तब भी मुझे एरर दिखाया। तो मैंने सोचा कि चलो एन जी हेल्प लेते, तो एन जी हेल्प ली मैंने, यहाँ से कॉपी किया एन जी हेल्प, यहाँ पेस्ट किया, तब भी मुझे एरर आ चुका था। तो सेम एरर आ रहे थे मुझे, देन मैंने क्या किया कि चलो ठीक है एन जी वर्जन को छोड़ देते हैं, तो मैं एक न्यू फोल्डर ही क्रिएट कर लेती हूँ। तो वहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, उसमें क्या था, एन जी न्यू माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो इसको मैंने क्या किया, एन जी न्यू माई फर्स्ट प्रोजेक्ट को मैंने क्या किया, माई प्रोजेक्ट इतना ही डाला, तो आपकी मर्जी है। ओके, उसमें कुछ नहीं है, तो मैंने एंटर हिट कर दिया, तो भी मुझे ना यही एरर आ गया। तो मैंने क्या किया फिर, तो मैंने क्या किया, इस एरर को ही कॉपी कर ली, एंड देन ब्राउज़र पे चली गई, एंड देन एज़ इट इज़ पेस्ट कर लिया। तो उसके बाद मुझे सोल्यूशन तो मिलना ही था, तो मुझे फर्स्ट में ही सोल्यूशन मिल गया उसका। तो यहाँ पे देख सकते हो इस साइट पे आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं ये भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपके में भी सेम प्रॉब्लम हो तो। तो इसमें क्या था, लाइक फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप कुछ इस तरीके से स्टेप थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी। ओके, जब पढ़ोगे तभी तो समझोगे ना एग्जैक्टली होता है क्या, नहीं होता है क्या। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइक पहले तो मुझे एन जी हाइपन हाइपन वी लिखना था, यानी कि वर्जन, ऐसा लिखने से अच्छा है कि मैं एन जी हाइपन हाइपन वी लिख के देखती हूँ। तो ये भी नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है स्टेप वन को फॉलो कर देते। तो स्टेप वन का कॉपी मैंने कर लिया, एंड देन एज इट इज़ मैंने पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जीक्यूशन पॉलिसी चेंज्ड।
तो ये हो रहे थे, यानी कि यहाँ पे आपको यस नो का कुछ ऑप्शन आया था, तो मैंने वहाँ पे यप वाई डाल दिया। तो अगर यस है तो वाई डालना है। देन मैं फिर से नीचे आती हूँ, देन सेकेंड स्टेप था तो उसको भी मैंने कॉपी कर लिया, एंड देन एज इट इज़ यहाँ पे भी पेस्ट कर लिया, तो एंटर, तो यहाँ पे भी हो गया। सो थर्ड, थर्ड को भी कॉपी पेस्ट कर लिया, एंड देन जैसे ही थर्ड को कॉपी पेस्ट कर लिया तो उसका भी इंटरफेस जैसे वहाँ पे पिक्चर में दिखाए थे वैसे ही सेम आ रहा था, तो वैसे अच्छा है। तो नहीं, उसके बाद मैंने एनजे वर्जन को कर दिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा था कि फोर्थ स्टेप में आपको एनजे वर्जन करना है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, एंड देन हमारा ये कम्प्लीटली हो गया। देन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता था, वो थोड़ा सा टाइम के बाद ऑटोमेटिकली एंगुलर लिख के आया, देन इसका मतलब तो हो गया। बाकी के पैकेजेस होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो मैं इसको भी फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ऑलरेडी यहाँ पे सब चीज़ें आ चुकी हैं। ओके, यानी कि हमारा ये हो चुका है रन। तो उसके बाद मैंने एनजी न्यू माई प्रोजेक्ट ऐसा एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, एक फोल्डर क्रिएट कर दिया माई प्रोजेक्ट नेम से एंगुलर के फोल्डर के अंदर। तो चलिए, इसको भी हेड एंटर हेड करने के बाद, इसमें तो थोड़ा सा टाइम लेता ही है, पूरा वो पैकेजेस वगैरह आपको दे देता है ना, तो उसके लिए इसमें तो बहुत टाइम लेता है वो, लेकिन आपके नेट के ऊपर डिपेंड है। ओके, मैं अभी भी बोलती हूँ, तो मैं इसको भी आपको फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा देती हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन चालू है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, जो हमारा फोल्डर था ना एंगुलर, उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है जो माई प्रोजेक्ट नाम से है। तो यहाँ पे अभी तक इंस्टॉलेशन चालू है, छोड़ो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से पैकेजेस वो डाउनलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो टाइम लेता ही है वैसे देखा जाए तो। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से फास्ट फॉरवर्ड करके डायरेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही आपको यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। अभी फाइनली हमारा ये हो चुका है, जितने भी पैकेजेस है वो सारे पैकेजेस इनिशियलाइज्ड हो चुके हैं। तो इसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो वहाँ पे मैं साइट पे फिर से जाती हूँ, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो हमें सीडी माय प्रोजेक्ट करना है, यानी कि उस फोल्डर में जाना है। तो यहाँ पे आपको सीडी माय प्रोजेक्ट लिख देना है, जैसे हमारा प्रोजेक्ट का नेम था वही आपको लिख देना है, एंड देन एंटर। तो इसमें कुछ उतना टाइम नहीं लेता है, वो सिर्फ फोल्डर के अंदर गए। ओके, तो उसके बाद एनजी सर्व लिखना है। तो थर्ड यही स्टेप था हमारा, तो जैसे इसका लिखा कि थोड़ा सा टाइम लेगा ये बस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट फॉलो कर दिया है, देन यहाँ पे आपको कंप्लीटेड सक्सेसफुली ऐसे एक मैसेज आ जाएगा। तो मैं क्या कर देती हूँ, इसका इंटरफेस भी आपको दिखा देती हूँ, यानी कि ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा जो फाइल था ना वो सेटअप हो चुका है, यानी कि पैकेजेस वगैरह सब आ चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे वीएस कोड का आपको दिखा दी, क्योंकि इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपको इतने सारे फाइल्स देख के एकदम से कुछ अलग ना फील हो जाए, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है कि यस आर सी के अंदर जो ऐप है ना वही सिर्फ ज़्यादातर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जैसे एंगुलर सीखते जाओगे आपको बहुत ईजी लगी नहीं जाएगा। ओके, तो बस इंस्टॉलेशन का वीडियो था, तो यहीं तक था। थैंक यू। Bye.